को नहीं मानते और बिलखसूस पेड़ मशवरे को तो बिल्कुल नहीं मानते। हम कहते हैं नहीं दी पैसे क्यों लेता है, आप किसी काबिल वकील से टाइम लीजिए, वाकई काबिल वकील, मैं दावे से कहता हूं 3 महीने बाद का टाइम मिलेगा और आपको पे करना पड़ेगा। सर आप डॉक्टर को अपने रेगुलर डॉक्टर को फोन करें तो वो कहता है आप क्लिनिक आ जाएं तो आगे बात करें। अरे वैसे भी आप ये देखिए बाहर भी अगर आपने एक सेशन थेरेपी लेनी है यू हैव टू पे $200 फॉर दैट। अगर आपने किसी लॉयर से भी मिलना है तो मिलने के लिए जो 15-20 मिनट उसने आपको देने हैं उसके लिए भी आपको चार्ज करेगा वो। अच्छा एक ये भी सिचुएशन है, एक तो वो लोग हैं जो कि आप कह रहे हैं कि सोसाइटी प्रेशर की वजह से डिस्कस नहीं करते, एक वो लोग हैं जो हर किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं, तमाशा बनवा लेते हैं और फिर इसने भी मशवरा दिया, उसने भी मशवरा दिया, इसने भी मशवरा दिया। अच्छा और सबको कह भी रहे होते हैं दसना नहीं किसी ना साथ ये भी कह रहे जब आपको ये कहना पड़ता है ना कि आपने किसी को बताना नहीं, इसका मतलब होता है बता दो। दरअसल आपका ये जो खौफ है ये हकीकत का रूप धार लेता है और कुछ ही दिनों के बाद वो साहब किसी ने किसी को बता देते हैं और फिर खबर जो है वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें मुखलिस इंसान से, इमानतदार से, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसका एक इम्प्रेशन है, जिसके बारे में ये यकीन है कि यार ये किसी से शेयर नहीं करेगा और सबसे बढ़ के ये कि वो एक्सपर्ट है, उसको उस शोबे का पता है। एक मैं इसमें बात को ऐड करूंगा, देखें दीन तो आपको सिखाता है कि आप अपने रब से भी मशवरा कर सकते हैं। इस्तखारा क्या है? इस्तखारा रब से आप रब से मशवरा कर सकते हैं कि आपको कोई नहीं मिल रहा, आप बेबस हो गए हैं, आपने इस्तखारे की दुआ पढ़ी है और आप सो गए और दुआ पढ़ने के बाद सो गए, यहाँ तो ख्वाब में इशारा मिल जाएगा। अब इसमें बड़ा एक क्लियर मैसेज है, यहाँ इशारा मिल जाएगा, अगर इशारा नहीं मिलेगा तो आप खुद ब खुद आपका दिल उस तरह मायल हो जाएगा कि अच्छा ये है। दरअसल आपने भरोसा किया, भरोसा इस इस्तखारे की दुआ का मतलब है आप, मैंने रब पे भरोसा किया या बारी ताला तो इल्म रखने वाला, मैं आज की कैद में हूँ, रब की जात के लिए माजी हाल मुस्तकबिल सबका इलम है, उसे कल का भी पता है। तो जब आप अपने रब पे भरोसा करते हैं तो यकीनी बात है कि वो चीज़ें जो हैं वो आयां हो जाती हैं आपके सामने, या आपका रुझान उस तरफ हो जाता है, या ऐसे असबाब बन जाते हैं जिसमें आपकी जो नैया है वो पार हो जाती है, किनारे को लग जाती है। हाँ। तो ये बड़े बुनियादी असूल। क्योंकि कोई भी मशवरा आप किसी से ले रही हैं, कोई भी सिचुएशन है, एक ही होगा ना, या होगा या नहीं होगा, अब कोई रिलेशनशिप है होगा या नहीं होगा, बिजनेस है होगा या नहीं होगा, एट द एंड इवेंचुअली हाँ या ना ही है ना जिसने हो करना है। एक्सेप्टेंस नहीं आती, अगर बुरा हो जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए इंसानी नफ्सियात में इटसेल्फ एक्सेप्टेंस फितरत में तो नहीं है इंसान के, ये सीखने वाली चीज़ है और इसको पैदा करना चाहिए, इसको कबूल करना चाहिए, टाइम लगता है इंसान को। और एक ये नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस भी है कि आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, वो हो गया जो ना पसंद है या नहीं चाहिए था, अब आपने उसको कबूल करना है या फिर उसको अपने मुताबिक करना है। ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने इंसान को ये बड़ी गैर मामूली एबिलिटी दी है कि बड़े से बड़े क्राइसिस से भी वो निकल जाता है, बड़े से बड़े क्राइसिस से होता क्या, उसमें से कुछ अखज कर लेता है, कुछ कबूल कर लेता है और नई स्ट्रेटजी बना लेता है, नई स्ट्रेटजी बना। ये अल्लाह ने इंसान को जो सलाहियत दी है ना कि कुएं में गिर के बाहर निकल के फिर सफर वाला। शाह जी मुख्तसर सा बताइए कि क्योंकि मशवरे की बात चल रही है तो हम दोनों भी आपसे मशवरा लेना चाहेंगे। $200 वाला नहीं, मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बताइएगा कि टाइम होता भी है लेकिन मैनेज नहीं हो पाता, जिस तरह आपका भी एक स्केड्यूल होता है, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बताइएगा। आप तो कैसे मैनेज करते हैं टाइम भी है, तो आर्ट्स काउंसिल कैसी चल रही है ये भी साथ। देखिए आर्ट काउंसिल के तो काफी ज्यादा चैलेंज हैं क्योंकि एक इटसेल्फ ये पूरी मुल्क के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए ट्रांजिशन पीरियड था, इसके काफी ज्यादा चैलेंज है। जहां तक वजाहत के सवाल का जवाब रह गया, देखिए मैं अपनी वो सब सर्विसेज या सारी वो टैलेंट और स्किल्स पिज़ा जो मैंने एक्वायर की है पूरी ज़िंदगी लगा के, मैंने उनको डेड नहीं होने दिया, मैंने किसी पहले वाले काम को छोड़ा नहीं है, उसकी किसी न किसी शक्ल में मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ। लाइक मैंने तो ट्यूशन पढ़ाने से सफ़र शुरू किया था, पढ़ाते मैंने ट्रेनिंग भी सीखी, कोचिंग सीखी, मोटिवेशन स्पीकिंग सीखी और कंसल्टेंसी सीखी, गाइड करना सीखा, मशवरा देना सीखा, कोचिंग, ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। उसके कोई ना कोई मैंने विंडोज़ बना दी हुई है कि यार फाउंडेशन है, इतनी फ्री सर्विसेज दे रही है। मुझे वैसे भी कह लीजिए जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता वो रब्ता करता है, मैं वेलकम करती मेरी फाउंडेशन। हाँ तादाद थोड़ी होती है, वर्क लोड ज्यादा होता है मेरे पे, 2-4 लोगों को रोज में मिलता रहता हूँ। हमने भी कुछ लोग रेफर किए इसी तरह। ऑलवेज वेलकम, मैं तो हमेशा जो है वो वेलकम करता हूँ। और उसमें फिर एक दुनिया जो प्रोफेशनल दुनिया है, मसलन मेरे लिए आइडियल कह लीजिए फिजा, जो कह लीजिए क्लाइंट कह लें जिसपे मुझे काम करने का मौका मिलता है, वो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं।
ये वो बच्चे हैं, इसमें बड़ी कहानी है, वजाहत भी जानता है और बड़े लोगों को आप मिले भी होंगे जिन बच्चों में हमने मेहनत की है और माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन है, वो डिलीवर कर रहे हैं, आज उनकी टीम्स हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनका जो कह लीजिए बल्कि फ्री सीएसएस की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं 70 हमारे पास बच्चे हैं जी, उनको 100% फंड कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी प्रेपरेशन जा रही है, 500-600 बच्चे स्कॉलरशिप विंग के हैं आजकल, तो हमने बड़ी पूरे महीने में कंपेन चलाई हुई है कि तकरीबन 11 करोड़ रुपया वजाहत हमने उन बच्चों को दिया है, ट्रांसपेरेंट 2 सालों के अंदर, और साथ उनकी ग्रूमिंग भी की है और उनके साथ गाहे बगाहे जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो आके बातचीत भी करते रहते हैं, तो हमें किसी ना किसी तरह अपनी सर्विसेज को जारी रखना। शाह जी आप जारी रख भी रहे हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन कर भी रहे हैं सोसाइटी में, और यही इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, बजाय कि आप शिकवाए जुल्मत शब करें अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त का, आपकी आमद का। उम्मीद है शाह साहब के जो मशवरे हैं आज के हमारे शो में हम सब के लिए बहुत मुफीद होंगे और हम इस पर अमल भी करेंगे। जाहिर बात है कि मशवरा ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हर किसी से ले लें।